रेलवे की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आई हुई है जो हमारे तत्काल टिकट के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। हमारी पेमेंट की मुश्किल होती है, सबसे ज़्यादा पेमेंट फेल हो जाता है, वो पेमेंट में ही अटके रह जाते हैं, तब तक सारे तत्काल टिकट बुक हो जाते हैं और हम लोग को वेटिंग लिस्ट मिलती है। लेकिन अब रेलवे, जिसका बहुत दिन से इंतज़ार था कि जैसे हम लोग को पेमेंट के लिए डायरेक्ट पेमेंट हो जाए और टिकट बुक हो जाए, तो उस तरह का कुछ ऑप्शन अब रेलवे ने IRCTC ने चालू कर दिया है। IRCTC का ही एक गेटवे है iPay, ये पहले भी था दोस्तों, लेकिन इसको अभी अपडेट कर दिया है, लाइव कर दिया है। तो अब इसके थ्रू अगर आप करेंगे तो ना OTP आएगा, ना कोई पेमेंट गेटवे फेल होने का टेंशन रहेगा, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे ले लेगा और फौरन आपका टिकट कंफर्म हो सकता है। सारी चीज़ें इसके अंदर किस तरह से होंगी, iPay को आप कैसे अपडेट करेंगे, कैसे लिंक करना है अकाउंट से, सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन आप वीडियो के साथ बने रहें और पूरी वीडियो देखें तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये पेमेंट की बात है और इसमें आप ज़रा सा भी चूक जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है। इस पर जैसे पहले हो फेल हो जाता था वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ और भी बहुत अच्छी है, अगर बाई चांस आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो फिर आपको पेमेंट रिफ़ंड जो मिलता है वो फौरन मिल जाएगा, रिफ़ंड इंस्टेंट रिफ़ंड आपको मिलेगा। उसके लिए 1 हफ्ते 10 दिन पहले चला जाता था, तो वो भी टाइम नहीं जाने वाला है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये iPay के थ्रू अगर आप पे करने वाले हैं। कैसे लाइव करें, कैसे अपडेट करें और किस तरह से हम अपने अकाउंट से लिंक करें, ये सारी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन आप पूरी वीडियो देखें तभी आपके समझ में आएगा। तो आपको हम लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और बताते हैं किस तरह से iPay को हम अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, बुकिंग के लिए सारी डिटेल फिल करने के बाद जब हम पेमेंट मेथड पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन दिखेगा, वैलेट्स और मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन। तो हमको क्या करना है, हमको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे आप कि बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ गए हैं। तो हमको फर्स्ट सिलेक्ट करना है कौन सा, IRCTC iPay। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने क्रेडिट कार्ड की डिटेल पूछ रहा है, डेबिट कार्ड की डिटेल पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं फिलअप करना है। हमको नीचे आना है, ऑटो पे मैंडेट बेस पेमेंट्स पे क्लिक करना है हमको, और वो सब ऊपर जो दिख रहा है उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑटो पे पे हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद आगे बढ़े। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आ गया, UPI और क्रेडिट कार्ड और उसके बाद डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो हम UPI को लिंक करते हैं अपने मोबाइल से और ये ऑटो पे से iPay से इसको लिंक करने के लिए हमको पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर डालने के लिए कह रहा है। तो मोबाइल नंबर हम जो यूज़र आईडी बनाए हैं, पासवर्ड अपना जो IRCTC का यूज़र आईडी बनाया है वो भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर हमारा बैंक जो UPI जो हमने बनाया है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। वो नंबर डालने के बाद यहाँ पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर आप इंटर करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है VPA यहाँ पर डालना है, यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। दोस्तों, वही आपका UPI ID, तो यहाँ पर UPI ID आप डाल देंगे, आपके ऐप में मिल जाएगा। जो आप Paytm का यूज़ करते हैं तो Paytm का, और फ़ोनपे का यूज़ करते हैं तो फ़ोनपे का, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ गूगल पे का इसमें अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, गूगल पे के अलावा कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर UPI यानी कि UPI एड्रेस डालने के बाद जब पे करेंगे तो वो पैसा आपका कट जाएगा, ये टिकट हो जाएगा, उसके बाद ये लिंक भी हो जाएगा। तो आगे जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आपका ये अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होगा UPI से, तो डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से और आपका टाइम बिल्कुल जाएगा नहीं। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से तत्काल के लिए काम करने वाला है। अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो तत्काल के लिए बना दूंगा कि ऑटो पे पे iPay किस तरह से काम कर रहा है, ये गेटवे IRCTC का सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।